परदेसी की सूझबूझ। एक बार तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय की किसी बात से नाराज होकर कहीं चला गया। जब वो कई दिन तक न लौटा तो राजा को चिंता हुई। उन्होंने तेनालीराम को खोजने का प्रयत्न किया लेकिन वो न मिला। तब राजा को एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपने राज्य के गांव गांव घोषणा करवा दी कि महाराज अपने राजकीय कुएं का विवाह कर रहे हैं। सभी गांव के मुखियों को आज्ञा दी गई कि वे अपने अपने गांव के कुएं लेकर राजधानी पहुंचे। ऐसा न करने पर दंड के रूप में 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी। हर कोई ये घोषणा सुनकर हैरान था। भला कुएं भी कहीं ले जाए जा सकते हैं? तेनालीराम ने भी यह ऐलान सुना। वो समझ गया कि ये सब चाल उसे खोजने के लिए महाराज चल रहे हैं। वहां के मुखिया को परेशान देखकर तेनालीराम ने कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, आपने मुझे जो आश्रय दिया है मैं उसका बदला जरूर चुकाऊंगा। मैं आपको तरकीब बताऊंगा, आप चलने की तैयारी करें। तेनालीराम अपने साथ गांव के 4-5 आदमी तथा मुखिया सहित राजधानी पहुंचा। उनमें से एक तेनालीराम द्वारा बताए उपाय अनुसार नगर जाकर बोला, महाराज हमारे गांव के कुएं विवाह में शामिल होने के लिए आ गए हैं। वे नगर के बाहर इस प्रतीक्षा में ठहरे हैं कि नगर के कुएं आकर उनकी आगवानी करें, उनका स्वागत करें। राजा समझ गया कि ये तेनालीराम की सूझबूझ है। उन्होंने पूछा, सच सच बताओ तुम्हें ये युक्ति किसने बताई? महाराज कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक परदेशी आकर ठहरा है, उसी ने ये तरकीब बताई है। वो अन्य लोगों के साथ नगर के बाहर है। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज स्वयं जाकर बड़ी धूमधाम से तेनालीराम को लेकर आए। उन्होंने गांव वालों को पुरस्कार देकर हंसी हंसी विदा कर दिया।